In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin, और आज हम पाकिस्तान पिनल कोड जो चैप्टर है वो 7 को डील करेंगे. 7 के अंदर जो है हमारे पास ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, आर्मी से रेलिवेंट तमाम तर जो ऑफेंसेस हैं इसको हम डील करेंगे. सेक्शन 131 से लेकर हम पढ़ेंगे ऑनवर्ड 140 तक. हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं. सेक्शन 131 क्या कहता है, मैं माफ़ चाहता हूँ मेरी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन एक बार आप ये मुकम्मल मेरी वजाहतें और सारी मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली तौर पे क्लियर हो जाएगा. राइट, सेक्शन 131 को हम डील करते हैं. सेक्शन 131 क्या कहता है, कहता है अबेटिंग म्यूटेनी. अबेटिंग का मतलब है उकसाना, म्यूटेनी का मतलब है बगावत. चाहिए अबेटिंग किस पे, उकसाना, बगावत पर उकसाना, और या फिर अटेम्प्टिंग टू सड्यूस या सड्यूस मीन बहकाना, या बहकाने की कोशिश करना. किसको बहकाने की कोशिश करना, सोल्जर को, सेलर को और एयरमैन को. किससे बहकाने की कोशिश करना, फ्रॉम हिज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी से बहकाने की. भैया तुम किस ड्यूटी से पे आ गए हैं, वो ये तो इदारा गद्दारों का इदारा है, ये तो टैक्स बड़ा खाता है, ये कुछ भी बहका बहकू के ना आपने उसको उसको उकसा दिया कि यार नौकरी छाट दे, या उसको नौकरी से कहा कि किस नौकरी में पड़ गए हो, उसको कहा कि बगावत करो. समझ रहे हैं आप, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं. हूएवर, जो कोई अबेट उकसाता है, द कम्युनिटी कमिटिंग कि वो कमिट करे, इट्स का आप कहे किसका, ऑफ म्यूटिनी, बगावत का. किससे किससे वो कह रहा है, बाय एन ऑफिसर, सेलर, एयरमैन, देखिए वो आर्मी का कोई भी ऑफिसर हो सकता है, सेलर हो सकता है, एयरमैन हो सकता है, उसे कहता है कि जी आप बगावत पे उसको उकसाता है, उसको उकसाता है कि आप बगावत कमिट करो, इर्तकाब करो बगावत का इन दी आर्मी, आर्मी के अंदर, नेवी और एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नेवी हो सकती है या वो आर्मी हो सकती है या एयरफोर्स हो सकती है, और अटैम्प्ट टू सड्यूस या उसको कोशिश करता है उसको बहकाने की, एनी सच ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर को जो कि सोल्जर हो सकता है, सेलर हो सकता है, एयरमैन हो सकता है, फ्रॉम हिज अलायंस और हिज ड्यूटी, उसकी जो ड्यूटी है उसे बहकाता है कि किन चक्करों में पड़ गए हो. ऐसे शख्स को मैं इसको अब मज़ीद इसको जो है ना इसका तर्जमा करता हूँ कि कोई भी शख्स किसी जो है ना वो आर्मी को, आर्मी के किसी बंदे को, नेवी के किसी बंदे को, एयरफोर्स के किसी बंदे को बहकाता है, किससे, उसकी ड्यूटी से, कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे, अगर करे तो कि गलत तरीके से करे, या उसको उकसाता है कि जो है ना तुम बगावत करो या बगावत कमिट करो, बगावत का इर्तकाब करो और इनको सबक सिखाओ, या किसी भी तरह उसको ना गलत तरीके से बहकाता है. किसके खिलाफ, अपनी ही आर्मी के खिलाफ. किसके खिलाफ, अपनी ही नेवी के खिलाफ, अपनी ही एयरफोर्स के खिलाफ उसको बहकाता है. किसको बहकाता है, आर्मी के किसी बंदे को जो कि ऑफिसर हो सकता है, सेलर हो सकता है, एयरमैन हो सकता है. वो तो अगर वो कोई ये काम, अभी यहाँ पे बगावत पर वो उकसा रहा है, बगावत हुई नहीं है, वो बगावत के ऊपर उकसा रहा है, बगावत नहीं हुई, सिर्फ उकसाने के ऊपर ही जो सजा है ना, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आपको उम्र कैद हो सकती है सिर्फ उकसाने पर, कितना डाटा जुर्म है जी, और विद इम्प्रिजनमेंट, या फिर आपको जो या तो उम्र कैद होगी या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू द 10 ईयर एंड शैल आल्सो बी फाइन, या आपको 10 साल कैद होगी वो शायद फाइन होगा, या फिर वो देखेंगे जिस तरह का केस होगा वो आपको उम्र कैद भी दे सकते हैं. ठीक है जी, आगे चलते हैं सेक्शन 132 की तरफ. 132 सेक्शन जो है वो कहता है अबेटमेंट, उकसाना, ऑफ म्यूटिनी, बगावत पर. इफ म्यूटिनी इज कमिटेड, और जो बगावत पर जो उकसाया और वो बगावत कमिट कर देता है, बगावत का इर्तकाब करता है, इन द कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ हूएवर, जो कोई अबेट करता है उसको उकसाता है, द कमिटिंग ऑफ म्यूटेनी, बगावत के ऊपर उकसाता है कि वो बगावत कमिट करे, बाय एन ऑफिसर, सेलर और एयरमैन इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान, शैल इफ म्यूटेनी बी कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट. सुनिएगा, कोई भी शख्स, हमने 131 में पढ़ा कि कोई शख्स आपको बगावत पर उकसाता है या आपको आपकी ड्यूटी से दस्तबरदार होने से उकसाता है, आप बगावत करते नहीं हैं, सिर्फ उकसाता है वो, तो उम्र कैद होगी, 10 साल फाइन. यहाँ पे जो सेक्शन 132 है ना वो ये है कि किसी शख्स ने आपको उकसाया आपकी ही आर्मी के खिलाफ, आर्मी अपनी ही आर्मी के साथ बगावत के खिलाफ, और वो उकसाया नहीं, आपने उसको उकसाया और उसने इतना मोटिवेट हुआ कि उसने बगावत कर दी, ऊपर बगावत नहीं हुई लेकिन 132 के अंदर आपने बगावत के लिए उकसाया, उसने बगावत कर दी, अब जब कर दी तो सजा क्या होगी, शैल बी पनिश विद डेथ, हाय हाय हाय, तो आपको सजाए मौत हो सकती है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद हो सकती है, या फिर
इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मेक्स एंड टू 10 ईयर एंड शैल आल्सो बी लायबल टू द फाइन, या फिर आपको उम्र कैद होगी या फिर आपको 10 साल की कैद हो सकती है। आगे है जी 183 सेक्शन, अबेटमेंट ऑफ असाल्ट। अब असाल्ट मीन हमला करना, अबेटमेंट उकसाना, किस पर? हमला करने के लिए उकसाना, बाय सोल्जर सेलर और एयरमैन और हिज सुपीरियर ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर व्हेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस। यानी कि अबेटमेंट वो उकसाता है, कोई भी शख्स आप किसी आर्मी के किसी बंदे को उकसाता है, वो ऑफिसर हो सकता है, वो आपका सेलमैन हो सकता है, सेलर हो सकता है, एयरमैन हो सकता है, उसको उकसाता है कि जब आपका जो सुपीरियर बंदा होगा ना, जब वो आए दरामद हो एग्जीक्यूशन ऑफिस ऑफिस, जब वो अपना आपके आपको लगे कि वो आ रहा है, आप उस पर हमला कर दो। आप कोई भी शख्स किसी आर्मी के किसी बंदे को जो ऑफिसर हो सकता है, सेलर हो सकता है, एयरमैन हो सकता है या सोल्जर हो सकता है, उसको उकसाता है कि आप अपने जो आपसे सुपीरियर जो है ना ऑफिसर, आप उस पर हमला करो, उकसाता है। अब वो हमला नहीं करता, वो सिर्फ सिर्फ उकसाता है, और जो जिसको वो उकसा रहा है ना, वो उकसाया नहीं जाता, वो आगे शिकायत कर देता है। अब जब शिकायत करेगा तो मामला खुल जाएगा, मामला जाएगा अदालत में, तो ऐसी सूरत में जो सज़ा होगी शैल बी पनिश विद आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म व्हिच मेक्स एंड टू 3 ईयर एंड शैल आल्सो बी लायबल टू द फाइन। तो 3 साल आपको कैद हो सकती है अगर किसी शख्स ने किसी आर्मी के किसी बंदे को उकसाया कि तुम अपने फलां जो आपका जो सीनियर है ना उसके ऊपर हमला कर देना, तो सज़ा ये होगी। अभी इसने हमला नहीं किया, जो 134 है ना वो इस हमले के ऊपर डील करता है, एक्सप्लेन है इसमें। अबेटमेंट ऑफ सच असाल्ट इफ द असाल्ट इज कमिटेड, कि आपने किसी आर्मी के किसी बंदे को उकसाया कि जब आपका सुपीरियर जो ऑफिसर आएगा आपने उसके ऊपर हमला करना है, और वो हमला कर देता है, यहाँ पे जुर्म का इर्तकाब हो गया, यहाँ पे जो ऑफेंस है वो कमिट हो गया। अब सुनिएगा, हूएवर अबेट, कोई सा अबेट करता है एन असाल्ट बाय एन ऑफिसर सोलर सेलर और एयरमैन इन द आर्मी नेवी और एयरफोर्स ऑफ द पाकिस्तान ऑन एनी सुपीरियर ऑफिसर, कि जब किसके ऊपर हमला करना है, ऑन ऑन मीन ऊपर, किसके ऊपर? सुपीरियर ऑफिसर, आपने सुपीरियर ऑफिसर के ऊपर आपने हमला करना है, ठीक है जी। कब? ऑफिसर बींग इन द एग्जीक्यूशन ऑफिस ऑफिस, जब वो अपने ऑफिस के अंदर आए। शैल बी पनिश्ड आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म व्हिच मेक्स एंड टू 7 ईयर एंड शैल आल्सो बी लायबल टू द फाइन। तो ऐसी सूरत में जो होगी ना वो आपको 7 साल कैद होगी और साथ आपको जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 135 का कहता है, 135 कहता है अबेटमेंट ऑफ डिजर्शन ऑफ सोल्जर सेलर और एयरमैन, ठीक है जी। डिजर्शन कहते हैं जो जो आर्मी छोड़ गया हो, जिसे भगोड़ा कहते हैं, जो भगोड़ा हो गया हो, आर्मी की ड्यूटी पूरी करनी पड़ती है, एक सर्टन टाइम होता है कि इतनी देर आपने करनी है तब भी आप रिजाइन कर सकते हैं, और आप उसे पहले ही भगोड़े हो जाएं। अब वो कहता है अबेटमेंट ऑफ डिजर्शन, भगोड़ा होने के ऊपर उकसाना, कहिए छोड़ दो तुम किन किन किस इदारे में हो, ये इदारा तो ऑडियो वीडियो लीक करता है, यानी किसी भी तरह के, मैं नहीं मतलब बता रहा हूँ मैं वैसे ही आपको, कि वो उकसाता है कि यार ये इदारा तो इतना पैसा खा लेता है, ये कर लेता है, ये हो गया, वो गलत तरीके से उकसाता है। अबेटमेंट ऑफ डिजर्शन, कि यार तू भज जा, तू भगोड़ा हो जा, ओ सोल्जर सेलर और एयरमैन, सोलर सोल्जर को, फौजी को, सेलर को और एयरमैन को उकसाता है। और क्या होता है जी, हु एवर अबेट डिजर्शन ऑफ एन ऑफिसर बाय सोल्जर सेलर एयरमैन इन द आर्मी नेवी और एयरफोर्स इन द पाकिस्तान, जो कोई शख्स किसी आर्मी के किसी सेलर को, एयरमैन को या सोल्जर को उकसाएगा कि वो अपनी जो है ना वो इदारे को छोड़ के भगोड़ा हो जाए, तो ऐसे शख्स को जो सज़ा होगी शैल बी पनिश विद आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू द 2 ईयर और फाइन और विद बोथ, या उसको 2 साल कैद होगी, या उसको जुर्माना होगा, या उसको जुर्माना प्लस 2 साल की कैद, दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 136 का कहता है हार्ड बोर्डिंग डेजर्टर, आय हाय हाय डेजर्टर, डी सर्टर, डिजर्टर कहते हैं, पता क्या जो पहले हार्ड बोर्डिंग को हम समझ लेते हैं, डिजर्टर तो जो है ना वो भगोड़ा है, या कोई ऐसा ख़तरनाक खुफिया बंदा कि जिसके पीछे एजेंसियाँ पड़ी हों, जिसके पीछे, अब जो बंदा भगोड़ा होगा ना उसके पीछे एजेंसियाँ बढ़ जाएंगी कि ये अपनी ड्यूटी पर छोड़ के पहले ही भाग गया, और उसके पास राज होते हैं वो किसी और को ना दे दे, एजेंसियाँ एक्टिव हो जाती हैं, एजेंसियाँ जो एक्टिव होती हैं तो उसके पीछे पड़ जाती हैं, और वो शख्स जो एक खुफिया लाजमी नहीं वो आर्मी का ही बंदा, वो भगोड़ा ही हो या कोई भी ऐसा बंदा जो कह लें कि वो जिसको एजेंसियाँ तलाश कर रही हैं, और आपने उस ख़तरनाक शख्स को अपने घर में पनाह दी हुई है, आपने अपने घर में उसको पनाह दी हुई है, तो फिर क्या होगा? हु एवर एक्सेप्ट एज हियर इन आफ्टर एक्सपेक्ट टू नोइंग और हैव टू द रीजन टू बिलीव। अच्छा जी,
कहते अगर आपको पता नहीं है कि मैंने जिस शख्स को पनाह दी है वो इतना ख़तरनाक है, एजेंसियाँ उसके पीछे लगी हुई हैं, आपको पता नहीं है आपने वैसे पनाह दी है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है इसको निकाल के। रीज़न टू बिलीव, नोइंग और हैविंग टू द रीज़न ऑफ बिलीव, आपको पता है, आपको पता है कि ये शख्स ख़तरनाक है, इसके पीछे एजेंसियाँ लगी हैं, वो भगोड़ा है या कोई भी, या वो पाकिस्तान का दुश्मन है, और आपको शक भी है उसके, रीज़न टू बिलीव, कोई ना कोई उसी हरकत से आपको लगता है यार ये बंदा ख़तरनाक है, और आप उसको पनाह दिए हुए हैं, और आप इसको किसी पुलिस वाले को नहीं बताते, आप रेलिवेंट इदारे को नहीं बताते, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में होगा जी, हार्बर सर्च ऑफिसर सोल्जर सेलर और एयरमैन शैल बी पनिश विद आदर डिसिप्लिन फॉर टर्म एक्सटेंड टू दी 2 ईयर विद फाइन विद बोथ। दोबारा पढ़ते हैं इसको, हु एवर अबैट हु एवर एक्सेप्ट दी हियर इन आफ्टर नोइंग और हैव रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफिसर सेलर और एयरमैन इन द आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान हैज डिजर्टर, कोई शख्स जो आर्मी के अंदर वो ऑफिसर था, सेलर था या एयरमैन था, भगोड़ा हो गया, ठीक है, और आपने ऐसे ऑफिसर को जो कि सेलर हो सकता है, एयरमैन हो सकता है या सोल्जर हो सकता है, आपने उसको पनाह दी हुई है, तो ऐसी सूरत में जो आपको सज़ा होगी वो शैल बी पनिश विद आदर डिसिप्लिन फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू दी 2 ईयर और फाइन और विद बोथ, 2 साल कैद या दो अपना जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उसके बाद आज सेक्शन 137, डेजर्टर मीन भगोरा, कंसील छुपाना, ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल थ्रू नेगलिजेंस ऑफिस मास्टर, कि कोई भी ऐसा बंदा जिसके पीछे एजेंसियाँ पड़ी हुई थी, डेजर्टर था वो, और वो आपकी जो जो वेसल है ना, कश्ती हो गई या कोई भी वेसल हो गई, अब एक जो ऑफिसर है जो उसको चला रहा है, उसकी उसको पता नहीं लगा उसकी गलती की वजह से, उसको नहीं मालूम, लेकिन उसी के वो वेसल में ना वो छुपा हुआ है, कंसील हुआ हुआ है, लेकिन उसमें जो जो उसका मास्टर है ना, बोर्ड का जो मास्टर है, उसको नहीं मालूम, लेकिन वो छुपा हुआ है, उसी उसको चाहिए था कि पहले पूरी तलाशी ले कि कोई चीज़ें सारी ओके हैं, कोई चीज़ वैसी उल्टी उल्टी तो नहीं है जिस तरह की कोई कोई शख्स छुपा हुआ है, उसने इग्नोर किया, उसने इग्नोर किया और वो कंसील रहा, वो छुपा रहा, तो वैसे ये जुर्म हो गया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? शैल इग्नोर ऑफ सच कंसीलमेंट बी लाइबल टू द पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 1, उसको फ़ाइन होगा जी, सिर्फ क्या फ़ाइन होगा? 1,500 रुपीज़, ये भी कोई फ़ाइन है, 1,500 रुपीज़, यानी कि कोई पेट्रोल लगेगा कोई 4-5 दिनों का बस। 138 सेक्शन, अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबॉर्डिनेशन बाय सोल्जर सेलर और एयरमैन। अच्छा जी, अबेटमेंट मीन उकसाना, किस पर? एक्ट ऑफ इनसबॉर्डिनेशन, कि अगर कोई ऑर्डर आ जाए तो आपने उसकी नाफरमानी करनी है, किसको कहता है? सोल्जर को कहता है, सेलर को, एयरमैन को, कि अगर कोई ऊपर से कोई ऑर्डर आता है आपको तो आप उसको निगलेक्ट करो, आप उसको उसकी उसकी बात ही ना मानो। हु एवर अबैट, कोई अगर शख्स उकसाता है, वट ही नो टू बी एक्ट एन एक्ट ऑफ इनसबॉर्डिनेशन बाई एन ऑफिसर सेलर और एयरमैन इन दी आर्मी नेवी और एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान शेल इफ सच एक्ट ऑफ इनसबॉर्डिनेशन बी कमिटेड इन दी कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबैटमेंट। वो उकसाता है कि भाई तू अपने बड़े की गल नहीं मननी, ऊपर से अगर ऑर्डर आता है तो आपने उसको नाफरमानी करनी है, और वो नाफरमानी करता है, तो ऐसी सूरत में जो होगी सज़ा, शैल बी पनिश इम्प्रिजनमेंट ऑफ आदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू दी 6 मंथ विद फाइन विद बोथ और बोथ, या तो 6 माह कैद होगी या जुर्माना होगा या दोनों हो सकते हैं। 138 अमेंड हो चुका है। 139 जो है वो अपना ये स्पेशल लॉस के ऊपर है, स्पेशल लॉस के ऊपर, ये इसे मुराद क्या है कि जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर जो होती है ना अपना शादी होती है, तो हमारा शादी का एक मुस्लिम लॉ है, इस्लामी पर्सनल लॉ, वहाँ पर घोड़े का लॉ नहीं लगता, वो हमारा पर्सनल लॉ है, वहाँ पर छूट देते हैं वो जी, ठीक है जी। हम पीपीसी में भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन पीपीसी जहाँ पर पर्सनल लॉ लगेगा ना हमारा मुस्लिम लॉ, वहाँ पर पीपीसी खामोश हो जाएगा। सिमिलरली जब आर्मी का अपना एक्ट होगा तो पीपीसी वहाँ पर खामोश हो जाएगा। तो 139 जो है ना वो स्पेशल लॉस के बारे में है, कि और यहाँ पे है नहीं कि कोई भी अगर उनके अपने कोई कानून टूटते हैं तो उनका आर्मी एक्ट है, तो आर्मी एक्ट के जरिए उनको सजा दी जाएगी। सेक्शन 140, 140 कहता है वेयरिंग ग्रैप्स, वेयरिंग मीन पहनना, ग्रैप्स वर्दी, और कैरिंग टोकन या कोई कार्ड यूज़ करता है, यूज़ बाय सोल्जर सेलर और एयरमैन, ये दिखाने के लिए कि भाई मैं सोल्जर जाए अपना एयरमैन ना, और या फिर मैं क्या हूँ, सेलर हूँ या आर्मी का बंदा हूँ। हु आर नॉट बींग अ सोल्जर, जो कोई शख्स सोल्जर फौजी नहीं है, सेलर नहीं है, एयरमैन नहीं है, नेवी का बंदा नहीं है, पाकिस्तान की सर्विस का बंदा नहीं है, लेकिन वो लिबास पहनता है,
वेयर एनी ग्रैब ऑन कैरीज एनी टोकन, कोई साथ कोई कार्ड लगा लेता है या कोई चांद लगा लेता है या कोई बैच लगा लेता है, रिजेंबलिंग यानी कि मुशाहबत दिखाने के लिए कि मैं भी उन जैसा ये वही हूँ, मैं फौजी हूँ, मैं भी सेलर हूँ या एयरमैन हूँ या सोल्जर हूँ, विद इंटेंशन नीयत के साथ कि मैं फौजी कहलाऊंगा और जाके धंधा फसाद करता है। ऐसे केस पकड़ा भी गया था, वो कहता था मैं कैप्टन हाँ जी कैप्टन हाँ, पता लगा वो तो कैप्टन नहीं है। तो ये जो सूरत है ना कि कोई शख्स वर्दियाँ पहन ले, ये तो होता है ड्रामों के अंदर, ड्रामों में लोग पहन लेते हैं, तो ड्रामा तो ड्रामा है, उनकी इंटेंशन नहीं होती कि हम जो है ना सच में करें, ड्रामा तो ड्रामा है। एक शख्स जान मैं पहन लूँ वर्दी अपना अपना आर्मी की वर्दी पहन लूँ और मैं कहूँ जी मैं आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कहाँ धोखा देने वाले, उड़ा के नहीं मारेंगे। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़ा मशहूर बंदा होता है ना, आप कोई आम फौजी लग जाए मैं फौजी है कहाँ और आप ना हो आपने वर्दी पहनी हो तो ये एक जुर्म है। ऐसी सूरत में जो सज़ा होगी शैल बी पनिश विद अदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मेक स्टैंड टू थ्री मंथ फाइन आपको होगी, क्या सज़ा होगी और फाइन होगा साथ उसके, विच मेक स्टैंड टू और फाइन जो होगा वो 1,500 रुपीज़ होगा। ठीक है जी, ये हमारा जो था सेक्शन 131 से लेकर हमने 140 तक इसको मुकम्मल किया। मिलते हैं अब तक के लिए अब्दुलरहमान यासीन को दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, थैंक यू।